ऐसा नहीं कि पॉइंट हम कभी भी सेट कर लेंगे। पॉइंट की जो ऑपरेशन होगी, पॉइंट के ऑपरेशन में जो NPR, NCR रिले पिकअप होगा या RCR रिले पिकअप होगा, जिसको हम WNCR व WRCR बोलते हैं, पॉइंट नॉर्मल कंट्रोल रिले, पॉइंट रिवर्स कंट्रोल रिले, ये पॉइंट की ऑपरेशन जो होगी उसके लिए रिक्वायर्ड LCPR। हाँ, तो NCR RCR जहाँ भी सीमेंस आपका EI लगाएगा ना, या फिर जो ये जो अभी आपको बताए थे ग्रुप रिले का यूज जहाँ नहीं करना है, जहाँ भी ग्रुप रिले का यूज नहीं करना है QBC1 में, सब में पहला फर्स्ट रिले इज द WNCR एंड WRCR। जहाँ ग्रुप रिले यूज करना है WRPR WNPR, दिस इज द फर्स्ट रिले। ठीक है, तो अभी एक स्टेशन मैंने बताया ना आपको जहाँ पे मेरा ग्रुप रिले नहीं लगा, अभी नहीं स्टार्टिंग हुई, अभी जो रिसेंटली मार्च में कमीशन हुआ वो आपका ये आउटडोर में QBCA1 लगा के किए हैं, तो वहाँ पे वो सर्किट पूरा का पूरा आपके सर्किट से मैच खाता है। यहाँ के जो सर्किट वैसे सीमेंस EI है, तो बाकी सब में खाली जेड डाल दिया है, WNCR है तो WZNCR, WRCR है पता है WZRCR, वो जेड सिंबल है, इसका मतलब है कि वो सीमेंस वाले की वायरिंग है, ब्रिटिश है। सीमेंस रिलीज वगैरह कुछ नहीं है, सारे ब्रिटिश हैं, सर्किट भी ब्रिटिश हैं, लेकिन सीमेंस की EI लगी तो सारे जो नॉमिनक्लेचर हैं वो सीमेंस वाले ने हर एक नॉमिनक्लेचर में एक जेड घुसा दिया है। LR है तो WZLR, WNZLR, WRZLR, तो वो सब जगह देख रहे हैं जेड डाल दिया है, बट वो जेड कोई नॉमिनक्लेचर नहीं है, जेड ओनली फॉर सीमेंस सर्किट के लिए है, वो नॉमिनक्लेचर के उसके कोई नाम नहीं है। ठीक है, तभी एक स्टेशन हुआ, बट बहुत सिंपल है आपका QBCA1 वाले में भी, बहुत ही सिंपल है। लोकेशन तो बहुत कम है हमारे पास, मैक्सिमम जो बगल में एक पॉइंट था तो उसको तो डलवा दिया रिले रूम से ही, आगे वाले जो दो पॉइंट छोटा स्टेशन था तो दो पॉइंट है उसके लिए उधर दो लोकेशन बने हैं, तो उसमें भी खाली QBCA1 जो बाहर वाली रिले है WCR की उसको लेके बाहर गए, बाकी को यहीं रख दिए रिले रूम में ही, कि मैक्सिमम रिले मुझे रिले रूम में ही मिल जाए, बाहर सिर्फ वो QBC1 है, एक और कोई है शायद वो जो है WNKR WRKR की जो लोकेशन वाली रिले है, तो ये तीन चार रिले बाहर हैं। तो अभी तो हो गया, दो ढाई महीना तो हो गए इंस्टॉल किए हुए, समस्या तो कुछ आया नहीं है, थोड़ा बहुत समस्या MS DEC की है, वो भी समस्या MS DEC का है ड्यू टू लैक ऑफ OEM, तो वो सही से उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर सही से एडजस्ट वगैरह वो भी हो जाएगा तो ठीक ही हो जाएगा, बाकी अधिक कुछ है नहीं। जो डिमांड भी है सर इंटरलॉकिंग, तो यही इंटरलॉकिंग में हमने आप लोगों के लिए सारे रिलेज का चर्चा, बेसिक सर्किट का चर्चा, रिले कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा, रिले कॉन्टैक्ट्स की चर्चा, कौन सी रिले की ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट किस सर्किट में यूज होती है, क्यों होती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन सारे चीज़ को अब हम इस इंटरलॉकिंग में पहले चर्चा कर लेंगे, इच एंड एवरीथिंग की इसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग के साथ साथ अभी अगले 4-5 क्लास में पूरी की पूरी जो बेसिक रिलीज वायरिंग कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी हैं, जो अगले कोई भी स्पेशलाइजेशन क्लास में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो कि सर ये TPR क्या है, LSR क्या है, UCR क्या है, HR क्या है, इसका मतलब क्या है, फ्रंट कॉन्टैक्ट क्या है, बैक कॉन्टैक्ट क्या है, किस 8F8B का फ्रंट कॉन्टैक्ट कौन कौन होते हैं, 12F4B है तो 12F में 12F कौन होगा, 4B कौन कौन है, 4F4B में 4F कौन होगा, 4B कौन होगा, 6F4B है या 6B है, तो इसमें कौन से फ्रंट कॉन्टैक्ट होंगे, कौन से बैक कॉन्टैक्ट होंगे, फ्रंट कॉन्टैक्ट बोलते किसको है, पर्पज़ क्या है, कहाँ यूज करेंगे, बैक कॉन्टैक्ट का पर्पज़ क्या है, कहाँ यूज करेंगे, मेटल टू कार्बन क्या है, मेटल टू मेटल क्या है, अभी हमने इन सारी चीज़ों पे कोशिश है इस बार कि सब के सब चीज़ इसी बेसिक क्लास में आप लोग को बता दें, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, प्रयास तो रहेगा कि आगे कोई भी कोर्सेस में ये वाली समस्या फिर आपको ना आए कि सर वो कॉन्टैक्ट नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत बार फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि सर नए पुराने वाले को तो ठीक है लेकिन हम लोग नए वाले को दिक्कत है, या जो OEM से हैं प्राइवेट से हैं उनको दिक्कत है, तो इस बार समस्या उसको इस 4-5 क्लास में आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। ठीक है, और विशेष आज और आगे नहीं पढ़ेंगे, अगला दिन फिर शुरू करते हैं, थोड़ा थक भी गए हैं पता नहीं क्यों। शुभ रात्रि आप सबको, कल मिलते हैं फिर।